के बारे में बात कर रहे थे, आरक्षण तो ऑलरेडी हजारों साल से लागू था। अच्छा, मंदिर का पुजारी ब्राह्मण बनेगा? मंदिर का पुजारी ब्राह्मण क्यों बनेगा, दलित क्यों नहीं बनेगा? ये सब दुखला बना, मैं तेरा दुखला बनाता हूं। आप कौन सा शास्त्री बताइए, क्या पास खोले वो भी क्या है? एक बात बताते, इसका ये कलावा जानते हैं? इसका आप अभी मंत्र, इसको आप मंत्र के साथ हमको आपको कलावा देते पकड़ में मेरे, आप इसको बांधिए चैलेंज के साथ, होता कोई पंडित आपको बंदे से नहीं बनेगा, आप पंडित बनिएगा। अभी पता है कहां के राम मंदिर बनिएगा, बांध के दिखा दीजिए। ज्ञान वेद बलि राजा दानवेंद्र महाबल, समझे? पर सुनिए, धर्म शास्त्र नॉलेज नहीं, वेद व्यास पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे चंचल रावण का संविधान, और बात करेंगे पंडित बनने का। भाई अभी गीता 400 सुन लेंगे, गीता 400 नहीं याद होगा, वंदे मातरम का 4 लाइन बोल दीजिए, नहीं सुन पाएंगे। भाई ये बने पंडित जी, कि ये काला खुलेगा और इसका भी क्या? अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर। इसने कहा कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए, जिन्ना को रास्ता बताने वाले, जिन्ना को उकसाने वाले, और पाकिस्तान के पक्ष में भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करी, जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। इस बात को लेकर बंटवारा हुआ और सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई गई वो अधूरी है, दो पंक्ति उसकी हम भी सुना दे रहे हैं कि आज रूते गंगा वो दिन है याद, तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, कि गंगा के वो मैदान तुमको याद है जब हमारा कारवां उतर आया था, कारवां आया था, चीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये तरानाए मिल्ली की पंक्तियां हैं, अल्लामा इकबाल ने 1910 में लिखी थी। जो भी संकट में आया उसको हमने अपनाया, कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रहते।